गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूं। आज के शो में बातचीत का आगाज होगा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से कि इमरान खान से बल्ला छीन जाने के बाद इलेक्शन और जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है भारत में श्री राम मंदिर की इनाग्रेशन की तैयारियां जोरों पर हैं दुनिया भर में इस सिलसिला में जश्न मनाए जा रहे हैं इस हवाले से भी हम ताहिर गोरा की राय लेना चाहेंगे हमास की बदतरीन दहशत गर्दी के सौ दिनों बाद यमालियों की रिहाई के सिलसिले में इसराइल में प्रोटेस्ट हुए पिछले हफ्ते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर साउथ अफ्रीका की इसराइल के खिलाफ जेनोसाइड की रिट पर दोनों तरफ से दलाल सामने आए इन पर गोरा की राय लेंगे और इस पे हम तफसीली गुफगु करेंगे तो गोरा साहब बातचीत का आगाज करते हैं इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ से बल्ला चीन जाने की सूरत हाल से इस सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर जमूरीत और इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या होगा आपको कैसा नज़र आता है देखिए पाकिस्तान में जमहूरीत का जो मुस्तकबिल है वो अभी कच्चा पका है और गुजा छिहत्तर बरसों में पाकिस्तान के अंदर जमहूरीत का एक माहौल तो चल रहा है इलेक्शन भी होते हैं ऑन एंड ऑफ लेकिन कोई भी वहाँ पर सरकार आज तक अपना पाँच साल अटेन पूरा नहीं कर सकी ठीक तरह से अगर हम कह सकते हैं जरदारी साहब की एक सरकार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सरकार ने किया मगर उसमें वज़ी अज़म एटलीस्ट कोई भी पाँच साल नहीं रहा तो जमहूरीत देखिए जो एक बहुत ही चैलेंजिंग इशू है ये मगर भी दुनिया की ईजाद है दुनिया में गवर्नेंस का आज भी ये सबसे अच्छा निज़ाम समझा जाता है अपनी तमाम तर खूबियों ख़ामियों के साथ पाकिस्तान में जमहूरीत भी इंजीनियर्ड होती है इलेक्शन भी इंजीनियर्ड होते हैं तो सूरत हाल पाकिस्तान में आ, कोई इतनी आइडियल तो नहीं है दोनों हवालों से लेकिन जाहिर है अब इन्हीं गिवन सरकमस्टांसिस में पाकिस्तान के हालात रहने हैं जहाँ तक इलेक्शन के मुस्तबिल का सवाल है तो जो अगला इलेक्शन आठ फरवरी दो हज़ार इसी साल को होने जा रहा है पोटेंशली वो लगता है कि हो जाएगा इसलिए कि उस इलेक्शन की राह में जो चैलेंजेस हो सकते हैं यानी इस्टबलिशमेंट को वो धीरे धीरे दूर किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इस्टबलिशमेंट को अपनी ही बनाई हुई पॉलिटिकल पार्टी इंसाफ की तरफ से है और उनके लीडरों की तरफ से है तो इसलिए पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट नहीं चाहती कि तरीक इंसाफ ठीक तरह से इसमें पार्टिसपेट करें वो चाहते हैं कि पार्टिसपेट करें भी लेकिन इनकी कोई शनाख्त भी ना बने इसीलिए इनसे इनका इंतवी निशान जो है बल्ला वो छीन लिया गया है जिसका नतीजा ये निकला है कि अब ये पार्टी इसमें इंडिपेंडेंट तौर से इलेक्शन लड़ सकेगी यानी इसके उम्मीदवार और उनका कोई एक इंतवी निशान नहीं है कई इंती निशान उनको मिल रहे हैं तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी चैलेंजिंग है सिचुएशन और ये जो सिचुएशन है ये जाहिर है पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ सिर्फ़ इस्टेबलिशमेंट के लोग ही नहीं हैं वहाँ के पोलिटिकल प्लेयर्स भी हैं और पहले हम ये समझा करते थे कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ इस्टेबलिशमेंट ही काम वहाँ पे जमहूरीत के लिए ख़राब करती है वो तो करती ही है लेकिन ये जो पाकिस्तान में पावर स्ट्रगल पावर हंगर का एक मामला है जो पावर हंगरी कहना चाहिए मुझे जो मामला है उसमें अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल स्टेक भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं एस्टेब्लिशमेंट के आ, और वो ये पाकिस्तान में जमहूरीत के फ्यूचर पे एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा जो लगता है उसमें सभी वहाँ के ज़िम्मेवार हैं आपकी तमाम तर गुफ्तु के बाद मेरे जहन में एक सवाल आया है आपकी इजाज़त से मैं आपसे पूछना चाहूँगी पॉलिटिकल प्रोसेस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ भी होता है और पाकिस्तान में हमेशा एक्सपेरिमेंट्स ही होते रहे तो क्या इस नई सूरत हाल को भी क्या आप एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट uh, के तौर पे uh, करना चाहेंगे या आप ये समझते हैं कि नहीं ये एक क्योटिक सिचुएशन के अंदर एक एक कदम है बस ये बस क्योटिक सिचुएशन की तरफ एक कदम है इसमें कोई एक्सपेरिमेंट वाला मामला नहीं है एक्सपेरिमेंट तो वो होता है कि जब आप इवॉल्व करना चाह रहे हो इवॉल्व तो वहाँ का निज़ाम ना करना चाहता है ना उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश है तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते एक्सपेरिमेंट वो दूसरे लेवल पर करते हैं जैसे इमरान ख़ान को का एक्सपेरिमेंट कर लिया प्रोजेक्ट इमरान खान कर लिया या एक ज़माने में जब नवाज़ शरीफ को लाए थे शुरू में मैं नाइनटीन नाइन्टी की बात कर रहा हूँ तो तब वो हम एक्सपेरिमेंट कह सकते थे लेकिन वो भी एक प्रोजेक्ट था वो, लेकिन इमरान खान की सूरत में आ, एक्सपेरिमेंट किया वो नाकाम हुआ वो एक्सपेरिमेंट इवाल्व करने की खातर नहीं था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की खातर था तो वो बहरहाल वो भी नाकाम हुआ तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में और ये सर पाकिस्तान का अलमिया नहीं है जहाँ पर भी जमहूरीत के नाम पर ये इलेक्शन होते हैं इस्पेली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो जिन अंदर जमहूरी मजाज नहीं है जिन मुल्कों में डेमोक्रेटिक uh, एटीट्यूड्स नहीं है वहाँ पे उनके यहाँ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स पैदा करने की एक कोशिश है मगरब की ये ख्वाहिश है और मेरा ये ख्याल है कि ये कोई इतनी बुरी ख्वाहिश भी नहीं है क्योंकि अगर वहाँ पे ये डेमोक्रेसी uh, की कोशिश ना हो तो वो वैसे ही मुल्क जो हैं uh, वो इतने क्योटिक हो जाएंगे इतने वहाँ पे uh, जो अफरा तफरी की सूरत हाल होगी कि वो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे अब देखिए जैसे मिडल ईस्ट है अब वहाँ पर जमहूरीत की कोई कोशिश नहीं की जाती वहाँ पे ख़ास निज़ाम है लेकिन एक गवर्नेंस है जो चलती रहती है गुड गवर्नेंस है वहाँ पे अगर जमूरीत की कोशिश हुई तो वो निज़ाम काफ़ी ख़राब हो जाएंगे गवर्नेंस तबाह हो जाएगी चाइना की सूरत हाल है चाइना में कम्युनिज्म निज़ाम है अगर वहाँ पे जमहूरीत के आ, तजर्बे हुए तो आई डोंट नो वो कामयाब होंगे या नाकाम होंगे मगर आ, चाइना में फिर कोई चांस है इसलिए कि चाइना में लोग पढ़े लिखे हैं Uh, वहाँ पे जो एक किंगडमशिप का रवैया है वो नहीं है अब देखिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी एक डिक्टटोरियल पार्टी है मगर एक किंगडमशिप नहीं है एटलीस्ट किसी एक आदमी की डिक्टोरियल शिप नहीं है एक पार्टी की डिक्टोरियल शिप है अब मैं उसमें थोड़ी सी बात मुकम्मल करता हूँ अब चाइनीज़ निज़ाम में जैसे उस पार्टी की डिक्टटोरियल शिप में जैसे आज कल सदर जी हैं उनकी डिक्टेटरशिप है लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी यानी उस शख्स उस अकेले शख्स की डिक्टेटरशिप है उसमें एक टीम शामिल है अब जैसे रशिया रशिया में, रशीया में वालादिमिर पुतिन अकेले की डिक्टेटरशिप है लेकिन चाइना में एक पूरा वो पोलिट ब्यूरो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले के बाद पाकिस्तान के कई नामी ग्रामी जर्नलिस्टों ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर तड़ी, कड़ी तनकीद की है आप इस तनकीद को कैसे देखते हैं जो कि एक नेचुरल फोनना था इससे पहले कि मैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले पर बात करूँ आपने जो इससे पहले एक सवाल को या एक कमेंट को जोड़ा था मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा देखिए जो मगरबी दुनिया से जमहूरीत निकली तो ये एक रेल्टिवली अच्छा निज़ाम है जिसमें हम रह रहे हैं कैनेडा में रह रहे हैं अमेरिका हमारे साथ है पोलराइजेशन भी है जमहूरीत के मसाइल भी हैं मगर यहाँ पर वरना या तो वो मुनारक होती मतलब कोई बादशाह होता अब वो बादशाहों का ज़माना कम अज़ कम मगरबी दुनिया में नहीं रहा यहाँ पे अफराद इतने ताकतवर हैं लोग सोचते हैं समझते हैं तो इसलिए यहाँ पे ये यह निज़ाम चल रहा है लेकिन जहाँ ये निज़ाम नहीं चल रहा वहाँ पे कच्चा पक्का चल रहा है और उम्मीद है कि वहाँ पे भी ये कच्चा पक्का चलता हुआ ठीक हो जाएगा भारत की मिसाल है मिसाल के तौर पर भारत फोर्टी सेवन में आज़ाद हुआ भारत एक पुरानी सिविलाइजेशन है लेकिन भारत ने इस निज़ाम को बड़ी तकवीयत दी और इसको आगे चलाया और इतना भरपूर तरीके से भारत में जमहूरी निज़ाम है कि वो मगरब से किसी सूरत भी कम नहीं है हर ये, ये इस पर आपकी कमेंट्री पे मेरा कमेंट था अब मैं आता हूँ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जो आ, उनके बल्ला के हवाले से जो दिया फैसला उस पर कई नामी ग्रामी जर्नलिस्ट कड़ी तनकीद कर रहे हैं देखिए पाकिस्तान हो या इवन हमारा साउथ एशिया हो हम वहाँ पर जरा इमोशनल लोग हैं अब वहाँ पर ये होता है जमहूरीत के नाम पर कि जी जहाँ पे कानून की भी बाला दस्ती की हमने बात करनी है और साथ साथ हमने ये भी कहना है कि चलिए कोई बात नहीं थोड़ी सी गुंजाइश दे देते तरीकानसाफ़ को आ, मौका देते इलेक्शन का मज़ा नहीं आएगा तो वो इलेक्शन को मज़े से देखते हैं वो समझते हैं ये क्रिकेट मैच है तो ठीक है अब दुनिया में इलेक्शन क्रिकेट मैच बन चुका हुआ है या कोई भी स्पोर्ट्स बन चुकी हुई है लेकिन मेरा ये जतीी ख्याल है जो हम कैनेडा से बैठ के देख रहे थे जो मैंने बड़े गौर से आ, दोनों तरफ के जो वकला हैं पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमिश्नर कमीशन के जो वकील थे उन्होंने जो दलाल दी है और ख़ुद जो पाकिस्तान का तीन रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उसने जो बातें की वो सुनने के बाद मैं कन्विंस हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलत फैसला नहीं है आ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इश्यूज थे अब वहाँ पे जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के इश्यूज तो बहुत सारी पार्टियों के साथ होते हैं लेकिन फिर भी दूसरी पार्टियाँ कॉस्मेटिक तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं इन्होंने तरीके इंसाफ ने कॉस्मेटिक तरीके से मैनेज नहीं किया था नंबर वन नंबर टू अब ये एक तासर है चूँकि इस्टेबलिशमेंट भी चाहती थी वहाँ का निज़ाम भी चाहता था कि इमरान ख़ान और उनकी पार्टी कमज़ोर तरीके से या मतलब अपनी पार्टी की शनाख्त खो देने के बाद इलेक्शन में हिस्सा लें तो उन्होंने इलेक्शन में इसी लिए हिस्सा उनका डालने के लिए ये वाली इन्वामेंट बनाई ये बात भी गलत नहीं है उन जर्नलिस्टों की मैं उनसे मैं उनसे इतफाक़ करता हूँ लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन थी कि वो इस इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं वो कहते हैं ठीक है हमने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया जैसे बांग्लादेश में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ तो वहाँ की अपोजिशन ने कहा कि हम बाइकआउट करते हैं वो गलत था बाइकआउट दुरुस्त था वो अपनी जगह पर बात है लेकिन ये एहत पाकिस्तान इंसाफ वाले रिकॉर्ड करा सकते थे और ये एक बेहतर काम होता बजाय ये कि वो अब मुझे यूँ लगता है कि इंसाफ के लोग भी पाकिस्तान की आर्मी से भीख मांगना चाहते हैं वो साथ भी नहीं छोड़ना चाहते और जमहूरीत के नाम पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अपॉर्चुनिज़म भी बहुत होती है सिर्फ ये पाकिस्तान का मसला नहीं है अब वहाँ पे एक एक हल्के में तहरीक इंसाफ के तीन तीन चार चार पाँच पाँच कैंडिडेट्स खड़े हैं अब तहरीक इनाफ़ाफ़ का वजूद नहीं रहा इलेक्शन में क्योंकि उनका सिम्बल नहीं है तो उनका वजूद नहीं है अब वो उनकी आपस में लड़ाइयाँ होंगी Uh, जो सभी तरीके इंसाफ की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर जो जो जीतेंगे तरीके इंसाफ की तरफ़ से वो आज़ाद होंगे तो उनके पास गुंजाइश होगी कि वो uh, फ्लोर क्रॉसिंग भी कर सकेंगे बल्कि फ्लोर क्रॉसिंग की भी ज़रूरत नहीं है वो कह सकेंगे हम तो आज़ाद हैं किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं इस सारी सूरत में लगता है कि इंसाफ के जो लोग इस सिलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो मकम्मल अपॉर्चुनिस्ट हैं या फिर पार्टी ये खुद भी चाह रही है कि हम इस्टेबलिशमेंट के साथ ना बिगाड़ें सिस्टम के साथ ना बिगाड़ें हमने पहले ही बहुत बिगाड़ पैदा किया है जिसकी वजह से हमें ये दिन देखने नसीब हो रहे हैं तो बहरहाल अब ये है कि ये इलेक्शन अगर हो गए जो कि मुझे लगता है हो ही जाएंगे आठ फरवरी को तो उसके बाद जो है फिर शायद तरीके इंसाफ की कोई रिपेयर होगी तलक्रत के मामले में एस्टेब्लिशमेंट के साथ इससे पहले रिपेयरमेंट मुमकिन नहीं नजर आती खैर चलिए अब आते हैं भारत की तरफ भारत में श्री राम मंदिर की इनाग्रेशन की तैयारियां जोरों पर हैं दुनिया भर के अंदर इस सिलसिला में जश्न मनाए जा रहे हैं मगर भारत की ओपोजिशन ने इनाग्रेशन की तकरीब में शिरकत ना करने का फैसला किया है ये बचकाना फैसला है अहमकाना फैसला है भारत की ये जो अपोजिशन इसमें इस इस शिरकत ना करने का इरादा रखती है ख़ास तौर पर कांग्रेस का ये कहना देखिए ये इसलिए कि जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था गलटीन नाइन टू में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी अभी जब ये कुछ साल पहले फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट इंडिया का राम मंदिर बनाने के हवाले से तब भी कांग्रेस सरकार ने उस फैसले को माना था अब जब वो इस इनाग्रेशन में शिरकत नहीं कर रहे इस बुनियाद पर कि बीजेपी की सरकार है तो ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं तौर पर कांग्रेस वाले क्योंकि वहाँ पे जो माहौल है वो रिलीजियसली इतना चार्ज है श्री राम मंदिर के बनने का जो एक वलवला है जो एक जोश जोशो जज्बा है वो उसका उसका ये बाइकआउट कर रहे हैं जो भी बाइकआउट कर रहे हैं इस इनाग्रेशन में जिसमें उनको शिरकत की दावत भारत की बीजेपी की सरकार की तरफ से थी और मिली वो जो उस दावत को कबूल नहीं कर रहे वो आवाम को बता रहे हैं कि भई हम आपके इस अक़ीदत वाले जोशो जज्बा वलवला के साथ नहीं है तो ये अपने वोट खुद ही काट रहे हैं इसी साल इलेक्शन है तो ये जो अपोजिशन की कुछ जमातों की तरफ से इनाग्रेशन में हिस्सा ना लेने की बात की जा रही है ये जमहूरी से ज़्यादा बचकाना फैसला है चलिए अब हम थोड़ा सा नाज्रीन को बताइए कि इस सिलसिले में ग्रेटर टोरंटो एरिया में बहुत सारी तकरीबा हो रही हैं जोश व जज्बा है कल्चरल फलोसफिकल इनहेरिटेंस की बात है तो ग्रेटर टोरंटो एरिया में क्या कुछ हो रहा है देखिए राम मंदिर की इनाग्रेशन के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ग्रेटर टोरंटो एरिया में हो रही हैं यहाँ पर मैं एक मैसेज भी शेयर करूँगा अपने व्यूअर्स के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक एक बड़ी तकरीब हो रही है और भी मंदिरों में तकरीब हो रही है मेरा ख़्याल है सभी मंदिरों में ग्रेटर टोरंटो एरिया के सभी मंदिरों में तकरीबात हो रही हैं और इसके साथ साथ जो हमारी यहाँ पे भारतीय हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बहुत सारे काम कर रही हैं हिंदू फोरम कनाडा ने फैसला किया है कि वो बिल बोर्ड जीटीए जी में और इसके साथ साथ वो इस पैगाम को वो आगे फैलाएंगे तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं ये सिर्फ ग्रेटर टोरंटो एरिया में नहीं पूरे कनाडा में पूरे नॉर्थ अमेरिका में पूरी दुनिया में ग्लोबल जहाँ जहाँ भी भारतीय बसते हैं वो इसमें शामिल हैं सिर्फ इसमें भारतीय हिंदुओं का मामला ही नहीं है सिख कम्युनिटी भी इवन भारतीय क्या मतलब इवन बांग्लादेश पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले कुछ मुसलमान भी ऐसे जो सेंसिबल हैं वो भी इसको बहुत सराह रहे हैं अभी एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है जम्मू कश्मीर की एक बच्ची का जिसमें उसने राम भजन को गाया है पहाड़ी लैंग्वेज में तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त बहुत बड़ी ख़बर है ये बड़ी ख़बर सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है पूरी दुनिया इस राम मंदिर की इनाग्रेशन के मौका पर रामलीला की जो स्पिरिट है उसको महसूस कर रही है ये खबर पूरी दुनिया में है पूरे दुनिया के टेलीविजन चैनल्स इस खबर को अभी से चलाना शुरू हो चुके हैं जबकि राम मंदिर की इनाग्रेशन अगले हफ्ते है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर की इनाग्रेशन होगी तो उन उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को प्लीज़ आप ना आइए अयोध्या और उसके बाद आइए क्योंकि उस दिन डिग्नेटरीज़ को छः से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं छोटा सा शहर है और श्री राम की वजह से और श्री राम मंदिर की वजह से उस शहर की काया ही पलट गई है जन्मभूमि थी लाड राम की अयोध्या और जिस शहर से आपका और मेरा तल्लक है लाहौर वो भी उनका बनाया हुआ शहर है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही शुभ घड़ी है और उस शुभ घड़ी का सिर्फ तल्लक 22 जनवरी से नहीं है वो कई हफ्तों से शुरू हो चुकी है मैं तो ये कहूँगा जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राम मंदिर बनने का वर्डिक्ट दिया था तब से ही जश्न का समा शुरू हो गया था और इस को देखने के लिए लाइव और उसकी जो पार्टिसिपेशन है उसमें लोगों की सिर्फ कनाडा अमेरिका से नहीं ख़ुद भारत के तमाम शहरों से 22 जनवरी को होगी और ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है इंडिया के लिए बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है और आने वाले दिनों में आने वाले महीनों सालों में ये हिस्टोरिक मोमेंट ना सिर्फ याद रखा जाएगा बट बल्कि श्री लाड राम मंदिर के बन जाने से जो बरकतें हैं भारत पूरे में वो महसूस की जाएंगी जय श्री राम हमारे सनातनियों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि 22 जनवरी को हमारे भारतवर्ष के पुण्य भूमि अयोध्या में रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है उसी अंतर्गत हमारे लक्ष्मीनारायण मंदिर स्कारब्रो वन मॉर्निंग व्यू ट्रेल में बड़े भव्य रूप में दो दिवसीय उत्सव मनाने जा रहे हैं 21 जनवरी सुबह साढ़े ग्यारह बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक राम नाम संकीर्तन और 22 जनवरी शाम को 6 बजे से 8 बजे तक मंदिर के आचार्य गणों के द्वारा रामलला का भव्य अभिषेक एवं विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ इस महान उत्सव को मना रहे हैं आप सभी उक्त उत्सव में आमंत्रित हैं जय श्री राम जय अयोध्या धाम मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाती हूँ उड़ी कश्मीर से <laughs> मड़ी चो खटे का आज चार धाम आए दिन मड़े राम आए दिन अम्मा सीता नाल आए दिन लक्ष्मण होर भक्त हनु मान आए दिन बजाओ टोल स्वागत बेच मड़े कार राम चलिए पिछले हफ्ते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर साउथ अफ्रीका के इसराइल के खिलाफ जेनोसाइड की रिट पर दोनों तरफ से दलाल सामने आए आपने भी दोनों तरफ के दलाल सुने आप इस हवाले से क्या तबसरा करेंगे हमारे नाजीन के साथ क्या शेयर करेंगे देखिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चल रहा है इवेंट साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये एक मुकदमा दायर किया है कि जी इसराइल जिनोसाइड का मरतकब है जिस तरह गज़ा में जंग जारी है अब सौ दिन से ज्यादा हो गए हैं तो इसमें बहुत सारी बातें हैं बहुत सारे लोग जिनोसाइड 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 का शोर मचा रहे हैं लेकिन मैं इसमें खास तौर पर रेफरेंस दूँगा हमारे अपने कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की एक स्टेटमेंट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हैं वो जो फ़लस्तनी मुस्लिम कम्यूनिटीज़ हैं या अरब मुस्लिम कम्यूनिटीज़ हैं या मुस्लिम कम्यूनिटीज या दूसरी एथनिक कम्यूनटीज़ के लिए बड़े हमदर्द होते हैं और उनका पोलिटिकल वोट बैंक भी काफ़ी है उनके साथ तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन्होंने कहा कि मैं उसकी तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अब ये उनके बयान है उनका बयान है लेकिन उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने मुकदमा दायर किया इसराइल के खिलाफ ज़िनोसाइड का उन्होंने कहा मैं इस बात से मुतफ़ नहीं हूँ यह अगर प्राइम मिनिस्टर टूडो जैसा जो बहुत लेफ्ट लीड प्राइम मिनिस्टर है जो बड़ा हमदर्द है तमाम कम्यूनिटीज़ का अगर वो ये बात करता है का मतलब ये है कि फिर हमें ज़ीनोसाइड की डेफिनेशन देखना होगी क्योंकि उसके बाद फिर कनाडा के ग्लोबल अफेयर डिपार्टमेंट ने भी और जो हमारी मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स की मलनी ने भी कहा कि भाई ये ज़ीनोसाइड की डेफिनेशन में नहीं आता जो ये साउथ अफ्रीका कह रहा है मैं इनसे टोटली मुतफ़ हूँ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की इस बात से भी और जो हमारा ग्लोबल अफेयर का डिपार्टमेंट है उनसे भी इसलिए कि अगर ये इतना लेफ़्ट लीन लिबरल आ, सरकार का मौकफ है तो मतलब ये कोई राइट विंग की पार्टी तो नहीं है कोट एंड कोट ठीक है हमारी कंजर्वेटिव पार्टी जो इतनी राइट विंग की नहीं है फ्रैंकली वो भी बड़ी सेंटर लेफ्ट के करीब करीब ही है तो उन्होंने तो खैर आउट रिजेक्टली कहा अब मैं उससे भी इफ़ाक़ करता हूँ जो पीयर पोलि ने कहा कंजर्वेटिव पार्टी ने उन्होंने कहा कि भाई ये जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने मुकदमा किया इसमें इस बात का तो कोई ख़ास चर्चा ही नहीं किया कि जो हमास ने सर्वजरी की थी सात अक्टूबर को जिस खौफनाक तरह की टेररिज्म की थी वो आ, जो है आ, वो काबले कबूल है यानी साउथ अफ्रीका ने तो इस तरह ही मुकदमा पेश किया कि जैसे वो काबले कबूल है तो वो ठीक पोलीवर ने कि वो भी वो बहुत मतलब गलत था अब देखिए ये एक जंग है बुनियादी तौर पर जो हमास ने शुरू की अब ये जो मतलब हमास के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सपोर्टर्स हैं वो यही कहते फिर रहे हैं कि जी आ, ये फलस्तनी गरीब मर रहे हैं बिल्कुल मर रहे हैं मसूम मर रहे हैं दुख की बात है बच्चे भी उसमें मर रहे हैं आ, फिर वो नंबर सामने लाते हैं ओके जी ये तो सिर्फ बारह सौ तेरह सौ लोग मारे गए इसराइलियों के इनके तो कुछ चौबीस हजार पच्चीस हज़ार मारे गए हैं तो ये कोई मसा ही नहीं है जो इसराइल पर हुआ था नो no, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है वो जो बारह सौ तो लोग मारे थे हमास में जिस अंदाज के साथ मारे थे ये जंग हमास ने शुरू की है और हमास बदकिस्मती से ये मानना पड़ेगा गज़ा से अलग नहीं है अब ये जो नंबर मरने के आ रहे हैं फ़लस्तियों के ग़ज़ा में वो नंबर कौन इशू करता है वो हमास की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इशू कर रही है इसका मतलब यह है कि वो डायरेक्ट फ्रीक है उसमें अच्छा ये जितने प्रोटेस्ट निकालने वाले लोग हैं ना एंटी इसराइल जहाँ कनाडा में भी निकल रहे हैं वर्ल्ड वाइड निकल रहे हैं ये हमास की कोई बात नहीं कर रहा मुझे जिस पे अफसोस होता है भाई अपने प्रोटेस्ट में आप इसराइल के ख़िलाफ़ लेके जाते हो तो आप कोई हमास के खिलाफ भी एक बैनर लेके चले जाओ वो कोई नहीं लेके जा रहा अच्छा इसका मतलब ये अच्छा फिर उनसे जब मैं पूछता हूँ ना उन लोगों से हमारे भी कई दोस्त हैं उनमें वो कहते हैं नो असल में मास्ट ने तो गलत किया ही था लेकिन ये है कि फ़िलिस्तीन पे ए, ये जीनोसाइड कर रहा है भाई ये जीनोसाइड की डेफिनेशन में नहीं आता काबिल अफसोस है जो कुछ हो रहा है जंग किसी सूरत भी अप्रीशिएट नहीं की जा सकती लेकिन ये जंग हमास ने मुसलत की है और हमास गजा के साथ एफीडिएट है और ये फलस्तनी का गजा में पोलिटिकल आम है अनफॉर्चुनेटली है अब अब इस हकीकत को माने ये जंग है ये जीनोसाइड नहीं है और... बहुत फ़र्क है और ये बात मैं नहीं कर रहा थैंक्स टू तो प्राइम मिनिस्टर टूटो एटलीस्ट उन्होंने इस रियलिटी को रिकोगनाइज किया और वो कभी भी ना करते अगर ये रियलिटी ना आपने बहुत अच्छा कहा कि ये, जंग है। तो इसको कर कि ये जंग है और जब जंग होती है तो उसमें होती है। आम लोग मरते हैं। है? ये बहुत जंग, ये नहीं में... होनी चाहिए। रोके जंग को रोके। जी इस पे बात होनी चाहिए कि भाई कोई सोलूशन टेबल पे आए कोई इसका बजाय इसके कि इतनी कैजुअलिटीज आई हैं इतनी ये हो गया वो गया जाहिर है सबसे ज्यादा नुकसान जंग में आम इंसान का होता है इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं और ये, सारी का है कि ये एक अफसोसनाक सूरत है लेकिन उसका कोई सोल्यूशन निकालना होगा ऑन द टेबल चलिए अब हम आज की बदतरीन दहशतगर्दी के सौ दिनों बाद यमालियों की रिहाई के सिलसिला में इस में प्रोटेस्ट हुए यर्गमालियों की सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं और गजा में होने वाली हलाकतों की सूरत हाल पर क्या फिर वही बात आ गई ये वही सवाल है उसी सवाल से जुड़ा हुआ जिसका आप कुछ जवाब दे चुके हैं कुछ प्लीज और मजीद इस पर कीजिए बात देखिए बात यह है कि अभी जो मैं बात कर रहा था मैं उसको कंटिन्यू करूंगा थोड़ा सा अब ये लोग कह रहे हैं प्रोटेस्ट करने वाले एंटी इसराइल लोग भी जो कई तरह की राय रखते हैं फिर वो कहते हैं जी अच्छा फिर वो कम अज कम जंग रोक दी जाए इसराइल ने तो कहा हम जंग रोकने को तैयार हैं शर्त एक है कि वह यरगमाली जो अभी भी इनके पास हैं सौ के करीब वो वापस किए जाएं अब वो इसराइल ये नहीं कह रहा कि हम जंग नहीं रोकेंगे वो ये कह रहे हैं कि हमारे यरगमाली वापस दें फिर हम सीज फायर कर सकते हैं फिर उस पर कोई इंटरनेशनल कम्यूनिटी बीच में बैठे फिर बात करेंगे अब वो यरगमाली जो हैं ये हमास वाले या इस्लामी जहाद वाले उन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पर रखे हुए हैं यानी इतने वो सैवज हैं इतने एक वो आ, बड़े दहशत गर्द हैं कि वो उनको कोई परवाह नहीं है बल्कि मैं दुख से कह रहा हूँ कि उनके लिए जितने फ़िलिस्तीनी मरते हैं वो उनकी जो पोलिटिकल स्कोरिंग है यह हमास की और इन जहादियों की वो उतनी आगे होती है वो कहते हैं हमें क्या ये मर रहे हैं तो ठीक है दुनिया में हमारे हक में ही बात हो रही है अब वो ये नहीं सोचते कि हमास की इस टेर्रिज़म के बाद मैं आपको बताऊं आप और मैं हमने भी काफी आ, सफर किया सात अक्टूबर के बाद यूरोप गए आ, मिडल ईस्ट गए अमेरिका भी भी हमारा एक्सपोजर रहा इस इस दौरान अब जो आम आदमी है एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड का जो खामोश आदमी है उसको नफरत हो गई है जहादियों से और हमास से वो बोलता नहीं है मैं अपने हमसायों को देखता हूँ कैनेडा में हम ऐसे नेबरहुड में रहते हैं जहाँ पे मेन स्ट्रीम कोट अंड कोट वाइट रहते हैं अब कोई एन टाइप या लेफ्ट टाइप कोई कोई चार छः आठ दस हर मोहल्ले से आपको शायद मिल जाए वाइट लोग भी जो इसराइल के खिलाफ हों किसी वजह से मगर जो मेजॉरिटी ऑफ साइलेंट मेन स्ट्रीम पीपल के वो अब शदीद नफरत करते हैं इस्लामिक जहादी आइडियोलॉजी से ये बात मेरी बात आ, को ये लोग नोट कर लें जो इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं इनको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी अब शदीद नफ़रत ये हमास इस्लामिक आइडियालॉजी वाले और ये जो आ, जहादी उनके खिलाफ बढ़ रही ये अवाम के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड की आवाम के अंदर यूरोप में मैंने महसूस मैं किया अच्छा अब ये है कि अब क्या फिर वही खेल है सौ दिन गुजरे हैं यरगमाली अभी भी उनके पास हैं और ये प्रोटेस्ट बढ़ा रहे हैं अब इनका जो प्रोटेस्टर्स का जो एंटी इसराइल हैं इनका ये है कि भाई आप सौ लोगों की बात कर रहे हैं यहां तो अट्ठाईस हजार मारे जा चुके हैं फलस्तीनी आप बारह सौ लोगों की बात कर रहे हैं जो हमास ने मारे थे तो यहाँ तो अट्ठाईस हजार मारे जा चुके हैं अब वो यानी जस्टिफाई कर रहे हैं जो हमास ने किया था जो अभी भी हमास कर रहा है मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये जस्टिफाई कर ही नहीं सकते ये किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर सकते इसलिए वो जो अट्ठाईस हज़ार लोग मरे हैं वो भी हमास की हरकत की वजह से मरे हैं इसराइल उसमें रेस्पांसिबल बुनियादी तौर पर प्राइमरीली नहीं है वो हमास ने दहशत गर्दी और बदतरीन नोयत की सेवजरी दिखाई जिसके नतीजा में इसराइल का इतना हैवी रिस्पॉन्स आया और अभी भी चूँकि ज़ाहिर है पोलिटिकल मसला भी है इसराइल की जो सरकार है नतन याहू की उस पर भी बहुत सारे प्रेशर हैं अब उन पर बहुत प्रेशर है अब इसराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भई आप कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएँ हम हमारे सौ लोग छुड़वाएं अच्छा अब फिर मतलब तो एक अजीब व गरीब मैंटेलिटी है इन इस्लामी ग्रुपों के अंदर भी भई आप अपने सौ लोगों को छुड़वाना चाहते हैं हमारे तो पच्चीस हजार लोग मारे जा चुके हैं यार इट्स नॉट अबाउट नंबर्स इट्स अबाउट

जो बेचारे इसराइली बच्चे बच्चियाँ बूढ़े बेकसूर लोग थे जिस बरबरीत के साथ इन वैशियों ने हमास वैशियों ने मारा उसके न, नतीजे में ये अट्ठाईस हज़ार बंदे मरे हैं ना अगर ये नंबर्स की बात है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल अच्छा अब ये मसला तब तक हल नहीं होना जब तक पहले इनको वो जो हैं हैं जितने भी यरगमाली इनके पास वो छोड़ने होंगे और फिर शायद दुनिया बीच में बैठेगी जब तक ये नहीं छोड़ते दुनिया बीच में नहीं बैठेगी चलिए अब रेड सी की तरफ आते हैं रेड सी के अंदर हूती भी हमले कर रहे हैं हूतियों पर भी हमले हो रहे हैं अगेन उससे रिलेटेड सिचुएशन रेड सी की सूरत हाल कितनी तश्वीशनाक है क्योंकि बार बार इसका जिक्र हो रहा है कि ये बहुत इंटरप्ट कर रही है लोगों के जो आ, सी पोर्ट्स के जो चल रहा था बिजनेस जो है उसकी वजह से सूरत हाल है आप इस पर क्या तबसरा करेंगे देखिए ये काफ़ी तश्वीशनाक सूरत हाल है ये भी जो होती हैं इन्होंने भी फ़लस्तीन जंग की आड़ में ये हमले शुरू कर दिए हैं अभी भारत के जयशंकर जो फ़ारन मिनिस्टर हैं उन्होंने ईरान का भी दौरा किया क्योंकि यमन के हूती जो हैं वो ईरान की बात सुनते हैं ईरान अभी तक ये इसराइल हमास यूती मामले में अभी तक सिर्फ ज़बानी कलामी बात कर रहा है अभी तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या ऐसे एविडेंसेस नहीं है हमारे पास मेरा नहीं ख्याल वो हम कोई आ, उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा हो चूँकि ईरान को भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो पुराना हूतीयों का हामी रहा है आज भी हामी है मगर चूँकि सऊदी अरब के साथ भी वो मेज़ पे बैठ चुका है और इंटरनेशनल भी ईरान पे बहुत सारे दबाव हैं तो ईरान प्रैक्टिकली परस कोई मदद नहीं कर रहा तो आ, लेकिन हूती जो हैं वो मैंने कई बार कहा है इसी टॉक शो में किती इस सारे मंजरनामे से फ़ायदा उठाते हुए अपने वजूद को मनवाना चाह रहे हैं कि हम भी महल्ले के बदमाश हैं तो होती ये काम कर रहे हैं और इस सारे मामले में ज़ाहिर रेड सी एक पैसेज है जहाँ से दुनिया की ट्रेड का कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट परसेंटेज होता है मेरा ख़्याल बारह से शायद पंद्रह परसेंट वहाँ से होता है समथिंग लाइक दैट और उसमें भारत बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है इसलिए कि भारत की जो गुड्स हैं वहाँ से रेड सी से होती हुई यूरोप जाती हैं और फिर जाहिर है यूरोप से आके अमेरिका कैनेडा आती हैं तो भारत को भी बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ पे जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनके टैरफ बढ़ चुके हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं उनके टैरफ बढ़ चुके हैं Uh, कई जहाज़ों पर हमला हो चुका है हुती कई हमले कर चुके हैं हुतियों पर भी मेरा ख्याल है दो बड़े हमले अमरीकियों ने और बरतानवियों ने मिल किए हैं और उनमें कई हुती मारे भी जा चुके हैं अब ईरान इस सारी हाल में बेशक ईरान फैसिलिटेट ना कर रहा हुतियों को मगर ईरान इस पोजीशन में है कि हुतियों को रोक सकता है तो मेरा ये ख्याल है कि भारत के से जयशंकर ईरान जो गए हैं उनके बहुत अच्छे मरासम हैं भारत के ईरान के साथ तो वो ईरान को यही कहने गए हैं बल्कि एक रिसेंट एक वीडियो भी आया जिसमें उन्होंने टेररिज्म को बहुत कंडेम किया है जयशंकर साहब ने तो अब ये बड़ा चैलेंजिंग मामला है ये पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को मुतासर कर हाँ, रहा है ना? बिल्कुल कर है क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारे और भी जुड़े हुए रस्ते के वो सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रोडिक्ट किया जा रहा है कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी क्योंकि और सप्लाई uh, बहुत स्लो हो जाएगी एक कनेक्टिविटी बहुत स्लो, स्लो हो जाएगी तो ये बहुत uh, खतरनाक सूरत हाल होती जा रही है अब मतलब ये ऑफकोर्स खतरनाक है चैलेंजिंग है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में हूती ईरान की बात सुनते हैं या नहीं सुनते या इवन ईरान हूतियों से बात करता भी है या नहीं करता लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ईरान कोई बैकडोर बात करेगा सामने नजर आने की हद तक ईरान मुख्तलिफ बात करेगा मगर बैकडोर डिफरेंट बात चलिए आज का बिला तकल्लुफ शो हमारे साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपके बिला तकल्लुफ तबसरों का बहुत बहुत शुक्रिया नाजीन आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें पेपॉल Patreon या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.